जय श्री राम दोस्तों, मैं हूँ कुंभ मेला परिक्षेत्र में और ये नागवास्की मंदिर के पास खड़ा हूँ। नागवास्की मंदिर का एक अपना पौराणिक कथा और इतिहास रहा है दोस्तों। कहा जाता है कि कुंभ मेला जब स्नान लोग करने आते हैं तो जब तक स्नान के बाद नागवास्की मंदिर का दर्शन नहीं करते तब तक स्नान पूरा नहीं होता, पुण्य नहीं मिलता दोस्तों। नागवास्की मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नवीनीकरण का काम चल रहा है। ये जो नागवास्की मंदिर में जो पहले पत्थर यूज किए गए थे दोस्तों, पहले जो चुनार से बलुआ जो पत्थर होते थे उसका यूज किया गया था, लेकिन इस उस पत्थर की जगह पर अब बहुत सालों पहले यूज किया गया था, जब मुगल शासन के पहले यूज किया गया था। अब चलिए मैं मंदिर के अंदर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये पहले मंदिर बनाया गया है, इसका पौराणिक महत्व क्या है, आप लोगों का साथ साथ आप लोगों को बताते चलूँगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है दोस्तों, आप लोगों को दिखा दूँ कि ये जो आप साइड में मंदिर नुमा देख रहे हैं गुंबद, ये पहले नहीं था। पहले जो यहाँ पर जो बनाया गया था वो चुनार से जो बलुआ पत्थर पहले नदी पड़ता है यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर, तो वहाँ से पहले पत्थर मुगल साम्राज्य के पहले ला करके बनाया गया था ये पत्थर। लेकिन अब जो ये नवीनीकरण हो रहा है, उन पत्थरों की जगह पर ये जो पत्थर यूज कर रहे हैं और ऊपर जो बारजा ऊपर देख रहे हैं, ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें राजस्थान के लाल पत्थरों को मंगा करके अब बनाया जा रहा है, री कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है फिर से, और सफ़ेद मार्बल अंदर लगाए जा रहे हैं, लाल मार्बल लगाए जा रहे हैं, तो ये राजस्थानी पत्थरों से इसका निर्माण फिर से चल रहा है दोस्तों। अंदर का जो नज़ारा है, अभी काम चल रहा है यहाँ पर, ये अब पेंटिंग का काम जो है कि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेंटिंग भी काम चालू स्टार्ट है। और ये मंदिर का जो अंदर का क्या कंस्ट्रक्शन चल रहा है क्या नहीं, चल के आपको लोगों को मंदिर का दिखाता हूँ अंदर से दोस्तों। ये मंदिर का एक पौराणिक इतिहास रहा है कि एक कुंभ का जो मेला लगता है, आपको बता दूं कि कुंभ के मेले से और नागवास्की से बहुत ही गहरा रिश्ता है, बहुत ही गहरा संबंध है। ये जो मंदिर नागवास्की मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और क्यों यहाँ पर दर्शन करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ दोस्तों। कि जब आप जानते होंगे कि मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय सुमारु पर्वत को मथनी बनाया गया था। सुमारु पर्वत जो था वो मथनी बनाया गया था, और जो सीढ़ी यहाँ पर काफ़ी लंबी चढ़नी पड़ती है, इसलिए दोस्तों के थकावट आ जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिर का ये प्रांगण है, काफ़ी संगम से ऊपर आ गया है, और इधर आप देख लीजिए कि इधर यहाँ से संगम दिखाई देता है, पूरा एरिया इधर से आप लोगों को दिखा दूँ आकर के। यहाँ से जब इसके ऊपर आएंगे तो संगम का मेला परिक्षेत्र का पूरा आपको देखने को मिलेगा, आनंद मिलेगा। ये देख सकते हैं कि पूरा एरिया इधर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, और जो इस साइड में है मंदिर का मेन गर्भगृह है, गर्भगृह, और इधर आप देख रहे हैं कि लाल जो पत्थर है, जो मैंने कहा भी कि ये राजस्थानी पत्थर जो लाल पत्थर होते हैं मार्बल, उससे बनाया जा रहा है। पहले जो यहाँ पर पत्थर यूज किया गया था दोस्तों, वो चुनार से लाए गए हुए पत्थरों को यूज किया गया था, लेकिन पूरी तरह से अब देखिए जितने पत्थर हैं सारे पत्थरों को चेंज करके इसको सौंदर्यीकरण किया जा रहा है दोस्तों। नागवास्की जी का इतिहास, पौराणिक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि कुंभ मेला जो लगता है चार कुंभ मेला जो लगता है उसके पीछे नागवास्की का बहुत बड़ा योगदान है। जब समुद्र मंथन चल रहा था तो उस समय जो सुमेरु पर्वत था उसको मथनी बनाया गया था, और मथनी का मतलब जो जिससे माठा आप लोग मथते हैं ना, उसी मथनी के जगह पर सुमेरु पर्वत का यूज किया गया था। और जो उसका रस्सी थी, जो देवता दानों के बीच में खींचा पानी जो चल रही थी, उस रस्सी को नागवास्की अपनी शरीर धारण करके, सांप जिसे आप बोलते हैं, तो
उसी से रस्सी बनाया गया था नागवासी से, तो नागवासकी के रस्सी के द्वारा उसको मथनी बनाकर सुमेरु पर्वत को जो कि समुद्र मंथन किया गया था। उसके बाद उसमें बहुत से पदार्थ निकले थे जिसमें एक विष भी निकला था जिसे भगवान भोलेनाथ ने उसका विषपान किया था, इसीलिए उनका जो कंठ है विष पीने की वजह से उनका जो कंठ का हिस्सा है वो नीला पड़ गया था, इसलिए भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ भी कहा जाता है। और दोस्तों लास्ट में जो अमृत कलश निकला था, अमृत कलश जो निकला था तो उसके लिए देवता और दानों में छीना झपटी चालू हो गई थी जो कि काफ़ी कई महीनों तक चलती रही। और इस छीना झपटी में पृथ्वी के चार जगहों पर अमृत कलश से वो अमृत बूंद गिर गया था, और जहाँ जहाँ वो चार जगह गिरा वहीं पर महाकुंभ मनाया जाता है। दोस्तों जो चार महाकुंभ मनाया जाता है, पहला है प्रयागराज, दूसरा उज्जैन में, तीसरा हरिद्वार में, चौथा नासिक में, तो इन चार जगहों पर जो है कि महाकुंभ मनाया जाता है। और इसी को लेकर के नागवासुकी मंदिर का बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों नागवासुकी जी का मंदिर जो है कि प्रांगण में आप लोगों को दिखा दूं कि जब भी आप मेले में स्नान करने आइए तो यहाँ पर नागवासुकी मंदिर का जरूर दर्शन करें, चूँकि जब तक नागवासुकी जी का दर्शन आप लोग नहीं करेंगे तब तक आपको पूर्ण फल नहीं मिलेगा, ऐसा है पुराणों में कथाओं में कहा गया है। ये जो मंदिर है, मंदिर का मुख्य गर्भगृह है यहाँ पर नागवासुकी जी का, और यहाँ पर देखिए इसमें तो काफ़ी भीड़ नहीं रहती, मैं सुबह सुबह यहाँ आया हूँ, जब मेला स्टार्ट होगा दोस्तों तो यहाँ पर बहुत भीड़ लगती है, और इस तरह से लाइन एक तरफ से आने के लिए एक तरफ से जाने के लिए सब कुछ लगता है। तो यहाँ पर ये दारागंज से रास्ता आता है और इधर संगम में पूरा जाकर के मिल जाता है। चप्पन का इधर मंदिर का यहाँ से देख सकते हैं कि ये गर्भगृह है, यहाँ महावीर हनुमान जी का जो कि मूर्ति लगी हुई है। अच्छा अभी दोस्तों अभी सुबह का समय है, अभी मंदिर में साफ सफाई चल रहा है और इसलिए अभी थोड़ा सा यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना जो है कि पुजारी जी से दिक्कत हो रही है, तो इसलिए बाद में बात करता हूँ, करके सुनाता हूँ आप लोगों से। तो दोस्तों इस तरह से ये नागवासुकी मंदिर का जो इतिहास रहा है, पौराणिक कथा रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया। यहाँ पर कुछ पूजाएं भी चलती रहती हैं, यहाँ पर आप करा सकते हैं, यहाँ जैसे पूजा चल रही है अभी आप देख सकते हैं।